जय गंगे माता। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। दो तीन दिन के बाद आज मैं फिर से हर की पैड़ी पहुंच चुका हूं और आप सभी को हर की पैड़ी ले चलते हैं और वहां पर माँ गंगे के दर्शन कराएंगे। महाशिवरात्रि के बाद कह सकते हैं कि हर की पैड़ी में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बहुत कम हो चुकी है, और क्योंकि इस समय बच्चों के एग्ज़ाम भी चालू हो जाते हैं और इसी वजह से बहुत कम लोग आते हैं। तो आइए चलते हैं हर की पैड़ी की ओर, माँ गंगे के दर्शन करेंगे। और उसके साथ साथ आपके लिए कुछ एक अच्छी खबर है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इसी तरह हरिद्वार ऋषिकेश से माँ गंगे के दर्शन करना चाहते हैं, यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो चलते हैं हर की पैड़ी के प्रमुख घाटों पर और वहां से देखते हैं, माँ गंगे के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप माँ गंगे के दर्शन करें और यहां पर बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर कुछ देर आपको दर्शन कराते हैं और उसके बाद प्रमुख घाटों तक चलते हैं। तो आइए अब चलते हैं प्रमुख घाटों पर, वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। और हर की पैड़ी की जो वीडियो है, हरिद्वार की जो वीडियो है, इसको शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहां के दर्शन करना चाहते हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं संजय पुल में और यहां से आप मनसा देवी मंदिर देख सकते हैं। ऊंचे पहाड़ों में मां का भव्य मंदिर है, आप सभी दर्शन करें और कमेंट में जय मनसा देवी ज़रूर लिखें। अब देखते हैं हर की पैड़ी की जो प्रमुख घाटों के दृश्य। तो जैसा मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि हरिद्वार पहुंचने वाले लोगों की जो संख्या है अब कम हो चुकी है, तो यहां से देख सकते हैं ये घंटाघर घाट है। और इस साइड है ब्रह्मकुंड घाट। तो आइए चलते हैं नीचे घाट पर। दोस्तों, अब बिल्कुल चलते हैं माँ गंगे के जल के पास और आप सभी को दर्शन कराते हैं, और उसके बाद जो आपके लिए एक अच्छी खबर है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। यहाँ पर आप माँ गंगे के दर्शन करें। दोस्तों, आप सभी के लिए अच्छी खबर ये है कि इस वीडियो में जो लोग भी देखेंगे इस वीडियो को और कमेंट करेंगे, और उसके बाद हम लकी ड्रॉ निकालेंगे, और दो वो पर्सन जिनका लकी ड्रॉ में पर्ची निकलेगी उनको हम गंगा जल हर की पैड़ी का ब्रह्मकुंड घाट का जो प्रमुख घाट है वहां से जल भरकर उनके घर पहुंचाएंगे। ये नई शुरुआत हमने की है ताकि आप लोगों को कुछ अच्छा, यहाँ के जैसे गंगा जल यहाँ का मेन है, तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि क्या भेजा जाए हरिद्वार से, तो मुझे गंगा जल से बेस्ट कुछ नहीं लगा। तो इस वजह से आप सभी को एक छोटा सा काम करना है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और उसके बाद एक कमेंट करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक सुंदर सा कमेंट करना है। ये ध्यान रखें, कमेंट ज़्यादा ना करें, सिर्फ एक कमेंट करना है ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी हो
और जितने लोग भी कमेंट करेंगे उनका सभी का नाम मैं पर्ची उनकी पर्ची बनाऊंगा और पर्ची के माध्यम से फिर लॉकी ड्रॉ निकालूंगा और उसमें दो लोगों को मैं गंगा जल उनके जो घर का एड्रेस है वहाँ के लिए शिफ्ट करूँगा। और जब लकी ड्रॉ निकलेगा तो आपसे मैं बात करूँगा, आपका एड्रेस मैं मंगवा लूँगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं लकी ड्रॉ निकालूँगा उस समय मैं लाइव आऊँगा और यूट्यूब चैनल में लाइव करूँगा और लाइव ही वो पर्ची निकालूँगा ताकि ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। पूरा लाइव आऊँगा, आप सभी देख पाएंगे। इस वजह से आपका एक और काम बढ़ जाता है कि जब भी मैं लाइव वीडियो आऊँगा उस समय आपको जुड़ना होगा ताकि आप प्रॉपर देख सकें। हालांकि बहुत सारे लोग उस समय जुड़े होंगे तो उसी समय लाइव पर्ची निकाल के जो भी दो लोगों का नाम आएगा नाम को अनाउंसमेंट करके उसके बाद आप सभी से दो लोगों से मतलब मैं इंस्टाग्राम में या यूट्यूब वीडियो में कमेंट करके बात करूँगा और उसके बाद आप अपना एड्रेस भेज देंगे और मैं यहाँ से ब्रह्मकुंड घाट का जो मुख्य घाट है वहाँ का गंगा जल आपके एड्रेस पे भेज दूँगा। तो ये नया शुरुआत है और मैंने सोचा कुछ आपके लिए कुछ अलग होगा, देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे और यहाँ पर देख सकते हैं महिला घाट के और मालवी घाट के ताज़ा दृश्य। दोस्तों ये जो वीडियो आप सभी देख रहे हैं ये 4 मार्च की है और समय की बात करें तो लगभग 9:30 बजे के आसपास के ताज़ा दृश्य हैं और थोड़ी देर में ये वीडियो आप देख पाएंगे और ये एक तरह से लाइव वीडियो है तो आप अच्छे से माँ गंगे के दर्शन कर सकते हैं और जो आपको मैंने कुछ नया एक जानकारी दी है उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों अब मैं सामने की ओर पहुंच चुका हूं जहां पर माँ गंगे की बड़ी धारा है। यहां पर देख सकते हैं काफ़ी चौड़ी धारा है और यहां के सुंदर दृश्य आप सभी देख सकते हैं। दोस्तों अब आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यहाँ पर माँ गंगे के आपको दर्शन हो रहे होंगे और काफ़ी अच्छा लग रहा है, धूप भी निकल आई है और एक तरह से कह सकते हैं कि सुबह शाम की थोड़ी ठंड रह गई है, बाकी दिन में तो गर्मी होने लगी है। दोस्तों आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ और जो लकी ड्रॉ हमने उसके बारे में जानकारी दी है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल हों और कभी ना कभी हर एक व्यक्ति का नंबर आएगा और अगर ये सक्सेस रहा तो मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करूँगा और पवित्र जो गंगा जल है आपके एड्रेस में पहुँचाऊँगा। और जो इसके लिए सबसे जो मेन वो है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करना है, एक से ज़्यादा ना करें क्योंकि एक से ज़्यादा करेंगे तो फिर हमें जब लिस्ट बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और कंफ्यूजन भी होगा, ताकि मैं हर एक कमेंट करने वाले के एक पर्ची बना सकूं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी और जो मैंने छोटी सी शुरुआत के बारे में सोचा है उसमें आप सभी सहयोग करेंगे। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।